पद्य पद्य फिर से हमारी कविता नंबर 11 है सवैया, जिसके कवि हैं प्रस्थान जी। तो ये जो कविता है हमारी प्रस्थान जी द्वारा रचित है, इस कविता में कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव को व्यक्त किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कविता में मुख्य विषय क्या क्या है। कृष्ण भक्त प्रस्थान, ब्रज क्षेत्र में जन्म, नंद बाबा की गौरों का चराना, गोवर्धन पर्वत, यमुना के किनारे कदम का पेड़, लाठी और काला कंबल पर तीनों लोग का राज्य, आंखों से वृक्ष के वन काला घराना। गोपियां कृष्ण की वेशभूषा में रहना चाहती हैं, लेकिन बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। तो स्टूडेंट्स, ये जो कविता है हमारे प्रस्थान द्वारा रचित सवैये, इसमें जो प्रस्थान जी कहते हैं, यानी श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति भाव को व्यक्त करते हुए प्रस्थान जी कहते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य रूप में अगर मुझे जन्म मिले, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्रज क्षेत्र में गोकुल में जन्म मिले, क्योंकि गोकुल में जन्म लेकर प्रस्थान जी गवालों के बीच यानी गवालों के साथ में रहना चाहते हैं। प्रस्थान जी कहते हैं कि अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की किसी भी वस्तु या स्थान के नजदीक रहने का मौका मिले, तो वो वहीं पर जन्म लेना पसंद करेंगे। कभी कह रहे हैं कि अगर मुझे पशु रूप में जन्म मिले, तो मैं गाय के रूप में जन्म लेना चाहूँगा और गाय बनकर नंद बाबा की जो गाय है उनके साथ में चलना चाहूँगा। और जो नंद बाबा की तो अगर उसको ग्वाले के रूप में अगर उनको ग्वाले के रूप में अगर जन्म मिलता है, तो वो नंद बाबा की गायों को चराना पसंद करेंगे। फिर जी कहते हैं कि अगर मुझे आप किसी निर्जीव पत्थर के रूप में जन्म मिले, अगर किसी पत्थर के रूप में जन्म मिले, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत को स्थान लेना चाहूँगा जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा लिया। उसके बाद कवि कहते हैं कि अगर उसे पक्षी रूप में जन्म मिले, तो वो उसी पेड़ पर यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है, उसकी डालियों पर अपना बसेरा बनाना चाहेंगे। फिर प्रस्थान जी कहते हैं कि जो यमुना का काला पानी है, यमुना का काला पानी यानी जहाँ पर यमुना नदी में श्री कृष्ण ने जिस काले नाग का संहार किया था, उस नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है, उसकी डालियों पर मैं पक्षी बनकर रखना बसेरा बनाना चाहूँगा। फिर स्थान कवि जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर यानी अनन्य भक्ति को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि मैं अपने अगर उसे तीनों लोक का राज्य मिले, तीनों लोकों में उसको सम्मान धन या कुछ भी मिले, तीनों लोगों का उसको राज्य मिले, वहाँ के महल मिल जाए, तो उनको भी त्याग कर करें श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण अपने हाथ में लाठी लेकर और अपने शरीर पर काला कंबल ओढ़कर जब वो गायों को चराने जाते थे, तो उसी लाठी और काले कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज्य महल धन दौलत सब कुछ त्याग सकता हूँ। आंखों से ब्रज के वन और बाघ काला बना, कभी अपनी आंखों से ब्रज क्षेत्र के वन बाघ काला तथा वहां का पूरा वातावरण अपनी आंखों से निहारना चाहता है। वो चाहता है कि जहां पर भगवान कृष्ण की जन्म लिया अपना समय व्यतीत किया, उस स्थान को वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उनको निहारना चाहते हैं। आखिरी सवैये में कभी प्रस्थान ने गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति को व्यक्त किया। गोपियां कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम है,
प्रकार पहनते हैं उसी प्रकार वो भी श्री कृष्ण के साथ सजा करना चाहते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो बांसुरी को अपने मुकुट से लगाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा यानी आठों पहर श्री कृष्ण बांसुरी को अपने मुकुट से लगाए रहते हैं और मधुर गान जो मधुर बांसुरी बजाते रहते हैं इससे उनकी ओर श्री कृष्ण का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इस बांसुरी को वो अपने दुश्मन मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के समान वेशभूषा भी धारण करेंगे, साज सज्जा भी करेंगे, लेकिन हम बांसुरी को नहीं अपनाएंगे। तो इन सभी बातों से जो सरस्थान जी हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति मेरा अनन्य प्रेम है। जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची, जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपना जन्म ग्रहण किया, वो उसी स्थान को देखना चाहते हैं, उसी स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो आपको इसी प्रकार जो जैसे अपनी कविता है उसमें एक एक लाइन को समझना है और उसमें से क्वेश्चन निकालना है कि भाई अगर पूछा जाए कि श्री कृष्ण ये जो भक्त है रस्थान कवि अगले जन्म में कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं, तो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, वरक क्षेत्र में किसके बीच रहना चाहते हैं, गवालों के बीच रहना चाहते हैं, नंद किसकी गवों को चराना चाहते हैं, नंद बाबा के गवों को चराना चाहते हैं, पर्वत यानी पत्थर रूप में किस पर्वत पर स्थान देना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत पर किस किनारे पर अपना किस नदी के किनारे पर अपना बसेरा करना चाहते हैं, यमुना नदी के किनारे पर किस पेड़ पर बसेरा करना चाहते हैं, बदम के पेड़ पर, और इसके लिए तीनों लोक का राज्य वो किसके लिए त्याग देना चाहते हैं, लाठी और काली कंपन के लिए। अपनी आंखों से कवि क्या निहारना चाहता है, ब्रजेश्वर के वन बाग और तालाब, गोपियां किसकी वेशभूषा करना देना चाहती हैं, श्री कृष्ण की, लेकिन गोपियां किसको अपना जो सामान श्री कृष्ण की किस सामान को अपनाना नहीं चाहती, बांसुरी। तो इस प्रकार आपको अपनी कविता से एक एक लाइन से प्रश्नों को